हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। जैसा कि आपको कुछ दिन पहले ही बता दिया था कि मतलब एमपी हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के लिए जो रसोईया, धोबी, माली, स्वीपर, चतुर्थ श्रेणी कलेक्टर, आकस्मिक निधन से वेतनभोगी कर्मचारी, वाहन चालक के लिए जो नौकरी के पद के लिए निकला हुआ था, आवेदन शुरू स्टार्ट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, लिंक से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और लॉगिन के लिए भी मैं रजिस्ट्रेशन के बाद जो लॉगिन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैं लिंक दे दूंगा। तो सबसे पहले लिंक पर आपको टच करके ये फॉर्म ओपन करना होगा, ऑनलाइन फॉर्म है और इसे आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल के द्वारा भर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली अपने मोबाइल में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक में दिया हूँ उस पर जाना होगा। उसके बाद आपका ये पेज सामने खुल कर आ जाएगा, ये उसका वेबसाइट है, ठीक है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर दिया है आवेदित पद वर्ग का नाम जिस हेतु आवेदन कर रहे हैं। जैसे आपने किसी पद के लिए आवेदित करना है, जैसे आप अगर धोबी के लिए कर रहे, धोबी वृत्तीय, वृत्तीय ड्राइवर, माली, रसोई, स्वीपर, जिस जो भी आपको करना होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको ड्राइवर के लिए करना है तो ड्राइविंग पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको अपना फुल नेम, आवेदक के नाम बताना है यहाँ पे कि आपका नाम क्या है। जैसे ही नाम बताएंगे, नाम के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। वो भी नाम आप कहाँ से करेंगे फिलअप, नाम आप फिलअप अपना जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है सेम टू सेम वैसे भरिएगा यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आपका नाम मोहन है तो मोहन कुमार है तो मोहन कुमार यहाँ पे डालिएगा, लिखिएगा यहाँ से देख। फिर उसके बाद आपके पिता का नाम, फादर्स नेम यहाँ पे डालिएगा जैसा कि हाई स्कूल सर्टिफिकेट पे वैसा सेम टू सेम। मदर्स नेम डालिएगा जैसे कि माता का नाम आपके हाई स्कूल में वैसे। और आपका जेंडर क्या है, फीमेल है तो फीमेल डालिएगा, मेल है तो मेल डालिएगा। फिर आपका जाति वर्ग डालना होगा कि ओबीसी हैं, एसटी एससी हैं या जनरल से हैं, जो भी होंगे आप उसको डालिएगा। फिर जो हाई स्कूल में जो डेट ऑफ बर्थ दिए हैं उसको यहाँ पे फिलअप करिएगा, पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर, ठीक है, जिस फॉर्मेट में दिया है उसी फॉर्मेट में। फिर आपकी नागरिकता क्या है, इंडियन टिक होगा, इंडियन के लिए यह ही। उसके बाद वैवाहिक स्थिति क्या है आपका, डिस्ट्यूट है, डिवोर्स है, मैरिड है, सिंगल है, विडो है, मतलब आप जैसे भी हैं वो स्टेटस डाल दीजिएगा। क्या मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, यदि मध्य प्रदेश के मूल निवासी होंगे तो यस करिएगा, अदरवाइज दूसरे स्टेट से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो नो करिएगा, ठीक है। अगर मध्य प्रदेश से हैं तो आपको कोई अलाउंस छूट वगैरह जो मिलेगा उसका बेनिफिट हो पाएगा अगर यस कर रहे हैं तो। फिर आपका यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर डालना है, जो आपका पर्सनल मोबाइल नंबर होगा वो डालिएगा, देखिए ये कंपलसरी है मोबाइल नंबर डालना। ईमेल आईडी आपके पास होगा वो डाल दीजिएगा, अदरवाइज ईमेल आईडी नहीं भी डालेंगे तो ये ऑप्शनल है, कोई दिक्कत नहीं ईमेल आईडी के लिए। फिर आईडी प्रूफ कोई सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपकी कोई आईडी प्रूफ होनी चाहिए, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर कार्ड या धोबी ओबी के लिए करेंगे तो आईडी प्रूफ आपका नहीं मांगेगा। फिर आपका आईडी प्रूफ का नंबर मांगेगा, यहाँ आईडी प्रूफ का नंबर डालिएगा, जो भी अगर लाइसेंस डालें तो लाइसेंस नंबर डालिएगा। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, एक सर्विसमैन पूछ रहा है, अगर होंगे तो यस करिएगा, अदरवाइज नो करिएगा। और कोई आपका पहचान चिन्ह डालना है, जैसे मान लीजिए आपके कोई कंधे, चेहरे, पत्ती, लो, कटे पीस का निशान हो, वो आइडेंटिटी मार्क यहाँ डालना है। फिर आपको नेक्स्ट पेज पे पहुँचना है, वर्तमान पता डालना है। वर्तमान पता आपका क्या है, मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, विलेज, पोस्ट आपका कहाँ है, पिन कोड क्या है, सारी चीज़ें डालना है, पिन कोड डालिएगा। अस्थायी पता क्या है, आप अस्थायी रूप से कहाँ रह रहे हैं उसको डालिएगा। और आपका उस विलेज या डिस्ट्रिक्ट या सिटी का पिन कोड क्या है वो डालना होगा। फिर आपके शैक्षिक योग्यता पूछेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप 10वीं तो पास एकदम अनिवार्य है, 10वीं होना ही चाहिए। उसके लिए आपका बोर्ड का नाम लिखना होगा कि यूपी बोर्ड से है कि मध्य प्रदेश बोर्ड से है, बिहार बोर्ड से, जो भी है। उत्तीर्ण वर्ष कब किए हैं, जैसे मान लीजिए आप 2015 में 10वीं क्लास उत्तीर्ण किए तो 2010 डालिएगा। प्राप्तांक कितना है, ठीक है, मतलब परसेंटेज में डालिएगा या आप प्राप्तांक डाल सकते हैं, प्रतिशत में डालेंगे। जैसे मान लीजिए आपका 90% आया है हाई स्कूल में तो 90% डालिएगा। उसके बाद आपका रोल नंबर, हाई स्कूल का जो रोल नंबर होगा यहाँ डालिएगा रोल नंबर में। फिर अन्य कोई शैक्षणिक योग्यता, जैसे मान लीजिए 12वीं किए हैं तो 12वीं डालिएगा, या आप पॉलिटेक्निक किए हैं तो पॉलिटेक्निक डालिएगा, आईटीआई किए हैं तो आईटीआई डालिएगा, ठीक है, ये मतलब ऑप्शनल है, ये आप डाल सकते हैं अगर आपका कोई हायर एजुकेशन। उसके बोर्ड का नाम, कब पास किए हैं, परसेंटेज उसमें कितना, उसका रोल नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद आपका अनुभव पूछेगा,
अनुभव एक्सपीरियंस कितने साल का है, ये एक्सपीरियंस वर्क एक्सपीरियंस आप डाल सकते हैं, ये होगा तो डालिएगा, अदरवाइज ये आप नहीं भी डालेंगे तो ये आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। मान लीजिए आप फ्रेशर हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये ज़रूरी नहीं है डालना, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट पेज पे आएंगे केस डिटेल, प्रकरण की जानकारी। देखिए क्या आपके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण किसी पुलिस थाने न्यायालय में अनुसंधान विचार हेतु लंबित है अथवा किसी न्यायालय में निरंकृत हो चुके हैं, यदि हाँ तो संबंधित अधिनियम एवं धारा प्रकरण क्रमांक निर्माण निर्णय आदि की जानकारी स्पष्ट रूप से अनिवार्यता उल्लिखित करिए। देखिए अगर आपके पास कोई थाना में नाम है तो उसके यश करिए और उसके सारे जैसे अपराध क्रमांक होगा, ठीक है, धाराएं होंगी, न्यायालय का नाम होगा और उसका डेट क्या होगा और रिमार्क्स क्या है, ये आपको फॉर्म फिलअप करने होंगे। इससे आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हाँ आपके पास थाने में नाम गया होगा, अगर कोई ऐसा कोई कागज वगैरह थाने से मिला है तो यस करके उसके क्रमांक वगैरह डालेंगे, इससे आपके फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप फॉर्म फिल करके गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डालना होगा, जैसे 8+3 दिया है तो 8 और 3 इक्वल टू कितना होगा 11, यहाँ 11 डालिएगा। फिर आपको डालने के बाद आपको यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन यानी घोषणा पत्र पे टिक करना होगा यस का, मैं यह घोषणा यह करता हूँ या करती हूँ कि मैंने परीक्षा में संबंधित सभी नियमों एवं विज्ञापनों को अच्छी तरह से पढ़ लिया और समझ लिया, उपरोक्त समस्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास अनुसार सही संपूर्ण किसी भी स्तर पर, आवेदन में कोई जानकारी असत्य अथवा अपूर्ण पाई जाती है तो मेरे द्वारा कोई जानकारी छिपाई जाती है तो मेरे विरुद्ध कार्रवाई की जाकर मेरा आवेदन किसी भी प्रक्रम पर निरस्त कर मेरा प्रवेश चयन और अभ्यर्थी निरस्त की जा सकती है अथवा मुद्दे से हटाया जा सकता है। तो ये आपको टिक कर लेना है, जब तक आप इस पर टिक नहीं करेंगे आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। फिर आपको यहाँ से फाइनल सबमिट कर देना है, ठीक है। सबमिट करने से पहले एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा कि एक बार आप जाकर ऊपर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, ये सारी जानकारी फिर से चेकअप कर लीजिएगा, ठीक है। सारी चीज़ें चेकअप कर लीजिएगा, एक एक चीज़ फिर से जब फाइनल सबमिट करना होगा, तो जब सही सारी चीज़ें फॉर्म भरे होंगे तो आप फाइनल सबमिट पे के लिए क्लिक करिएगा। फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको फिर से लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। लॉगिन आईडी पासवर्ड लेने के बाद आप क्या करिएगा, सिंपल लॉगिन पे क्लिक करिएगा। देखिए मैं दिखा रहा हूँ कैसे आएगा, एक मिनट बने रहिए लाइन पे। जैसे आप रजिस्ट्रेशन फाइनल सबमिट करेंगे तो आपका ये पेज खुल जाएगा, या लॉगिन आईडी अगर नहीं मिल, लॉगिन आईडी मिल जाएगा आपको, लॉगिन आईडी यहाँ पे डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ डालिएगा और कैप्चा कोड डालकर सर्च करिएगा, आपका फॉर्म सबमिशन जो है वो आ जाएगा। फिर आपको फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा। देखिए मैं लॉगिन आईडी अगर नहीं खोल पाएंगे तो आपको पुनः फिर मेरे चैनल पे आना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लॉगिन आईडी का भी लिंक दे दूंगा, तो रजिस्ट्रेशन का भी लिंक और लॉगिन आईडी दोनों का लिंक दे दूंगा। पहले रजिस्ट्रेशन होगा फिर उसके बाद लॉगिन करिएगा। लॉगिन आईडी लॉगिन के लिए जो लिंक खोलेंगे तो आपको ऐसा खुल कर आएगा जिसमें आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर भरना होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है और कैप्चा यहाँ देगा, जैसे 7+1 कितना होगा 8 होगा, भर के सर्च करिएगा तो आपका फॉर्म पूरा खुल जाएगा। उसके बाद आपका पेमेंट ऑप्शन आएगा, तो पेमेंट के लिए मुझे ये फॉर्म भरना नहीं है, फिलअप नहीं करना है, इसलिए मैं पेमेंट का भी सेक्शन नहीं दिखा रहा हूँ। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी माध्यम से भी कर सकते हैं। तो आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए, आपको पता होगा कि जनरल और ओबीसी वालों के लिए फ़ीस कितना है 200 रुपये है और एसटीएससी वालों के लिए कितना है 100 रुपये। अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो आपका 200 रुपये लगेगा, चाहे आप एसटी हो या एससी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज। अगर कोई दिक्कत आ रही है आपको पेमेंट से लेके या कोई भी, तो आप अपने इस वीडियो में कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।